हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू फिजिक्स, 11th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च टॉपिक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया लेक्चर, नया टॉपिक और नया चैप्टर। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, और उसके बाद में हमने पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाला चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है वो अपना कंप्लीट हो गया है। और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस जितने भी उसके रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी, जितनी भी अपने पास न्यूमेरिकल्स बने थे, उनको हमने डिस्कस किया। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, हम उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर। ठीक है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो होती क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो हम बताएंगे आपको। उससे पहले होता क्या है कि ओके एक सेकंड, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच थी फिजिक्स की जिसमें हमने चार्जेस को रेस्ट में माना कि चार्ज रेस्ट पर है और रेस्ट में रहने के बाद में वो क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या फिनोमिनन एग्जिबिट करता है। जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट हमने बताई, साथ ही साथ कूलम्स लॉ भी हमने डिस्कशन में लिया था। तो ये जितनी भी हमने बातें की प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हमने आपको वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डील किया था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक जो चार्जेज है वो स्टैटिक कंडीशन में रेस्ट पर है तो क्या क्या फिनोमेना होती है वो हमने अभी तक किया। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, चार्जेज को मूव करवाएंगे, मतलब इस चैप्टर में हम चार्जेज की डायनेमिक्स की बात करेंगे। चार्ज जब मूव करेगा तो क्या इफेक्ट होगा, क्या टर्मिनोलॉजी होगी, क्या क्या हम उनकी रिलेटेड जो फिनोमेना है वो हम शो कर सकते हैं। जैसे चार्ज जब मूव करता है तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। ठीक है, तो वो करंट कैसे बनती है, क्या होती है, वो हम बताएंगे आपको डिटेल में। और फिर इलेक्ट्रिक करंट के बाद में हम चलेंगे ओम्स लॉ के बाद, ओम्स लॉ के ऊपर फिर किरचॉफ लॉज हैं वो हम डिस्कशन में लेंगे। तो चैप्टर बहुत अच्छा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, काफ़ी कुछ बताना है इस चैप्टर में और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने आपको अभी तक बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, चार्ज रेस्ट पर होता है, रेस्ट पर होने के बाद में उनकी क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या फिनोमिना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, इलेक्ट्रिस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बताया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया। ठीक है, और कूलम्स लॉ के बारे में बताया कि जब दो चार्जेज एट रेस्ट पर होते हैं तो वो आपस में कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं वो भी हमने बताया। तो ये थी चार्जेज एट रेस्ट के ऊपर। लेकिन अब हम डील करेंगे चार्ज मूव करने लग जाए। ठीक है, अब मूव करेगा तो दो टाइप की मोशन हो सकती है, एक तो होती है एक्सेलरेटेड और एक होता है नॉन एक्सेलरेटेड। ठीक है, या तो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करे या उसकी स्पीड जो है वेलोसिटी है वो वेरिएबल हो। तो स्पीड वेरिएबल होगी, एक्सेलरेटेड होगी, तो एक अलग ब्रांच आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होने लग जाता है। एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो अपने पास ईएम वेव भी प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, हालांकि चार्ज जब मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये बात सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, लेकिन जब एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी। वो एक अलग चैप्टर है, वो हम बाद में डिस्कशन में लेंगे। अब तो हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेज मूव करेगा, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा, और हम केवल करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन में लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन लेंगे, वायर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में डिस्कशन में लेंगे। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है हम नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ी समरी हम बना लेते हैं कि हमने अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया, फिर अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है,
तो हेडिंग डालेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर लिखेंगे नोट्स, लिखेंगे नोट्स लिखेंगे जल्दी से, और हमारा जो चैप्टर है वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा नया चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये चैप्टर, अपना नया चैप्टर है, और इसमें हम आपको बताएंगे बहुत कुछ। तो पहले इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, इंट्रोडक्शन डाल करके हेडिंग आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वी हैव स्टडीड वी हैव स्टडीड द फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्जेज एट रेस्ट, चार्जेज एट रेस्ट। हमने वो फिनोमिना पढ़ लिए हैं जो फिनोमिना जब चार्ज रेस्ट पर होता है तब प्रदर्शित होते हैं, तब अपने पास एग्जिस्ट करते हैं, तब अपने पास एग्जिबिट होते हैं। तो वो हमने किया, और इन फिनोमिना को जो हम जिस फिजिक्स में अंडरस्टैंड करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्जेज एट रेस्ट, चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे अब वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द डायनेमिक्स डायनेमिक्स और मोशन ऑफ चार्जेस, एंड द फिजिक्स ऑफ डायनेमिक्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। तो ये अपना बेसिक चर्चा हुई, अब हम बात करते हैं अपना जो टॉपिक है मेन वो होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ठीक है। तो करंट जो होती है वो धारा एक फ्लो को बताती है, ठीक है। तो फ्लो किसका हो सकता है, यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो।
अब हम यदि बात करें एयर करंट की तो एयर का फ्लो हो जाएगा, जब हम बात करें वाटर करंट की तो वाटर का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, एक फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, एक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोल देते हैं करंट। ठीक है, करंट फ्लो हो रही है, हम बोल रहे हैं कि करंट फ्लो हो रही है। तो एयर करंट होती है, वाटर करंट होती है, इसी प्रकार से चार्जेज का जब फ्लो होगा तो हम उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब होगी, चार्जेस फ्लो कब होंगे? अभी तक हमने तो केवल वो कंडीशन की बात की है जब चार्जेस रेस्ट पर होंगे, लेकिन जब चार्ज फ्लो कब होगा, चार्ज फ्लो कब होगा, तो वो भी इम्पोर्टेंट बात है। तो होता क्या है कि जैसे हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, हमने अब तक पोटेंशियल पढ़ लिया, चार्जिंग के मेथड्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, देखिए पढ़ने का एक एक तरीका होता है, हम कैसे पढ़ें। कई बार बोलते हैं कि भी फिजिक्स थोड़ी टफ लगती है, तो होता क्या है कि जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ो तो उस टॉपिक को जब पढ़ो तो प्रीवियस जो भी आपने टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है, उसके बेस पर आपको वो नया जो टॉपिक है या चैप्टर है वो पढ़ना चाहिए, ताकि जो नया चैप्टर जब पढ़ो तो प्रीवियस जो भी नॉलेज है उससे रिलेटेड आपको नई कॉन्सेप्ट बनती जाए और नया चैप्टर भी समझते जाए। ये होती है समझने की हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका, कि आप हर एक टर्म्स को रिलेटेड करते चलो। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में ऐसा नहीं कि एक चैप्टर अलग है दूसरा चैप्टर बिल्कुल ही अलग है, नहीं, आप जो नया चैप्टर जब पढ़ रहे हो तो प्रीवियस चैप्टर से रिलेट करके चलो, तभी समझ में आएगा। एनसीईआरटी में जो अपनी बुक है, स्टैंडर्ड जो बुक है, उसमें एक सीरीज में देते हैं कि पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, फिर आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बताएंगे, फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, फिर आपको करंट वगैरह अल्टरनेटिंग करंट, एक सीरीज होता है उससे हम पढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ रखा, हम देखो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है, अपना टॉपिक ये था। जैसे जैसे हम बात करें, देखो ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है, इसको हमने चार्ज कर दिया, हमने चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज अपने पास दे दिया, और इसका जो पोटेंशियल है, चार्ज बॉडी का पोटेंशियल होगा, क्योंकि हम चार्ज कर रहे हैं, इनफाइनाइट से चार्ज लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा वही तो होता है पोटेंशियल। वी जो होता है वो होता है डब्ल्यू अपन क्यू, इनफाइनाइट से चार्जेस को लाने में वर्क डन। तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल वी ए है, ठीक है, एक अनदर ऑब्जेक्ट बी है, इसको भी हमने चार्ज कर दिया, बट इसका पोटेंशियल क्या है, वी बी है, वो लेस देन है, ठीक है, मतलब वी ए ग्रेटर देन क्या है, वी बी है। तो होगा क्या, हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम ये करते हैं कि जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, किसी कनेक्टिंग वायर से, किसी वायर से जब हम कनेक्ट करते हैं कंडक्टर से, तो होता क्या है, ये ऑब्जर्व हुआ कि चार्ज जो है वो फ्लो होने लग गया, चार्ज क्या होने लग गया, चार्ज होने लग गया फ्लो, ठीक है, चार्ज होने लग गया फ्लो कुछ इस प्रकार से, ये चार्ज यहां से फ्लो होने लग गया और इस प्रकार से, ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं कि यहां पर पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, हमने कर चुके हैं ये टॉपिक कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए, अब चार्ज यहां से यहां जा रहा मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा, पॉजिटिव चार्ज तो ना मूव करते हैं, पॉजिटिव तो अपने पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, वो तो न्यूक्लियस में स्टेबल है, तो मूव कौन करते हैं, मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस हो रहा है इस सिचुएशन में, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से मूव कर रहा मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं इस प्रकार से अपोजिट, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो चार्ज है वो फ्लो करने लग गया, और चार्ज तब तक फ्लो करता रहा जब तक इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, दोनों का इक्वल ना हो जाए, वी ए इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा, तब जो है वो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब चार्ज का फ्लो कब होगा, हायर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल है हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल वाली ऑब्जेक्ट से लोअर पोटेंशियल वाली ऑब्जेक्ट में जो चार्जेज का फ्लो होता है, और ये चार्जेज का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये वही सिचुएशन नहीं है क्या कि जब हम ये बोलते हैं कि मान लीजिए कि ये एक अपने पास पोर्ट है, इसमें वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, और इसको एक पाइप से जोड़ दिया हमने, और एक वो एक अपने पास पोर्ट है जिसमें वाटर का लेवल कम है,
कुछ समय के बाद होगा क्या, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इसके पास इसका हायर स्तर ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में हो रही है। तो होता क्या है कि कुछ समय पश्चात वाटर का फ्लो होता जाएगा और होगा क्या, कुछ समय पश्चात में दोनों जो है बकेट, जो दोनों जो पोर्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, सेम लेवल पर आ जाएंगे और वाटर क्या हो जाएगा, फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ होती है, मतलब इक्विलिब्रियम में आना चाहते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वाटर का जो लेवल वो स्टेबल हो गया, एक एक पर्टिकुलर लेवल में आ गए दोनों, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसी प्रकार से यहाँ से देखो ये चार्जेस फ्लो होते गए पोटेंशियल क्या हो गया, दोनों का इक्वल हो गए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गई, एनर्जी इक्वल हो गई, यहाँ पर भी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गई, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, सरफेस टेंशन भी आता है, और यहाँ पर क्या है, अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये दोनों इक्वल होगी। मतलब हो क्या रहा है, ये स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, इक्विलिब्रियम चाहते हैं इस, और होता भी ये रूल होता है थर्मोडायनेमिक्स में भी, कोई भी जो प्रोसेस होती है रेंडम प्रोसेस होती है वो क्या होती है, उसी तरफ टेंड करेगी जिस तरफ इक्विलिब्रियम आए, ठीक है, साम्य अवस्था आ जाए। हम भी कहाँ जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम की ओर टेंड कर रहे हैं इस जीवन में। हर एक मनुष्य यही चाहता है कि मेरे जीवन में स्थिरता आ जाए, हर एक मनुष्य क्या चाहता है कि मेरे जीवन में स्टेबिलिटी आ जाए। आज आप पढ़ रहे हो, आप ये अपने इमेजिन कर रहे हो कि मैं कुछ बन जाऊंगा, या मेरे पास पैसा हो जाएगा, या मेरे पास ये कोई पर्टिकुलर जॉब हो जाएगी तो मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो हर एक व्यक्ति स्टेबिलिटी की ओर चाहता है, ठीक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, ठीक है। तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि स्टेबिलिटी आए मेरी लाइफ में, सिक्योरिटी आए, ठीक है, स्टेबल स्टेबिलिटी चाहता है। बट यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, फिजिकल टर्म्स में स्टेबिलिटी आ जाती है, फिजिकल वर्ल्ड में स्टेबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पर स्टेबिलिटी आ गई, लेकिन मनुष्य के जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आती। चाहे आप मनी गेन कर लो, चाहे आप पर्टिकुलर कोई पोस्ट गेन कर लो, चाहे आप पद गेन कर लो, प्रतिष्ठा कुछ भी कर लो, स्टेबिलिटी नहीं आती। वो स्टेबिलिटी आ सकती है जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाओ, जब आप आत्मज्ञान की तरफ जाओ, जब आप सेल्फ नॉलेज की तरफ जाओ कि मैं कौन हूँ और ये कौन चाह रहा है कि स्टेबल हो जाए, मैं कौन हूँ, संसार का, फिजिकल वर्ल्ड का मेरे से क्या रिश्ता है, और मैं क्यों चाहता हूँ स्टेबिलिटी, क्या इन ऑब्जेक्ट से क्या स्टेबिलिटी आ सकती है, क्या मेरे से पहले जो हुए हैं क्या वो स्टेबल हो पाए हैं। तो एक बहुत बड़ी फिलोसॉफी बात है ये कि बहुत ग्रेट पीपल हुए हैं अपने अर्थ के ऊपर, तो उनको हम पढ़ें, उनकी क्या विचारधारा है, ठीक है, उनको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि क्या वास्तव में हम जो चाह रहे हैं वो हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है, वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आती है ह्यूमन लाइफ में, वो आती है ह्यूमन लाइफ में भी, लेकिन हम जहाँ चाह रहे हैं स्टेबिलिटी वहाँ नहीं है, ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे कभी। तो यहाँ तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक, अब ये जो चार्जेज का जो फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गई। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का तरीका मिल गया जी, बिल्कुल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर अपने पास चार्जेज का फ्लो हो जाएगा। आप किसी दो ऑब्जेक्ट को क्या कर दो, चार्ज कर दो एट ए डिफरेंट पोटेंशियल एंड देन कनेक्ट देम बाय ए कनेक्टिंग वायर, एंड देन चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल्स बिकम इक्वल, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो लिखेंगे इसी बात को हम लिख देंगे, देखिए अपने पास क्या होगा, ये वाला देखो, इफ टू बॉडीज, इफ टू बॉडीज आर चार्ज एट डिफरेंट पोटेंशियल If two bodies are charged at different potential and are connected
बाय मीन्स ऑफ by means of a connecting wire by the means of a connecting wire then there will be flow of charges there will be flow of charges from higher potential object to higher potential object to lower potential object till potentials of both bodies become equal. ठीक है, ये हमने बात की. तो इन शॉर्ट वे में हम ये बोल सकते हैं कि चार्जेज के फ्लो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज अबाउट दी इट इज फ्लो ऑफ चार्जेज. ठीक है, hence the flow of charges represent the electric current. ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम से दिखा भी सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल फ्लो हो रहे हैं चार्जेस. देखो जैसे हमने ये बोला कि ये कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ए ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, बी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और इसको चार्ज हमने कर दिया. ठीक है, ये हमने इसको कर दिया चार्ज एट पोटेंशियल वी ए, और इसको हमने चार्ज कर दिया पोटेंशियल बी यानी वी बी, और हमने इसको कर दिया कनेक्ट कर दिया किसी वायर से. तो चार्जेज का फ्लो कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से फ्लो हो जाएगा. ठीक है, हम बात कर रहे हैं कौन से चार्जेज की, पॉजिटिव चार्जेज की. आप जो है इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं पॉजिट्रॉन्स की, कोई बड़ी बात नहीं है, बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इक्वल अमाउंट का जो नेगेटिव चार्ज है उसका फ्लो और इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्जेज है उसका फ्लो सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन होगा. आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक पॉजिट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है, दोनों एक ही बात है. तो यहाँ पर ये फ्लो हो गया इस प्रकार से और ये करंट हो गई. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गई. अब देखो फिजिक्स में होता क्या है कि हम फिजिक्स बता सकते हैं किसी भी इवेंट की, किसी भी फिनोमेना की हम फिजिक्स बता सकते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर. लेकिन जब बात आती है कि मैथमेटिकल फॉर्म कैसे दें, तो मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए हम बनाते हैं एक डेफिनेशन, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम बनाते हैं. ठीक है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम बनाते हैं. तो वो डेफिनेशन हम बनाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे बताएं, कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का कोई तरीका. हाँ बिल्कुल जी, चार्जेज फ्लो हो रहा है, बिल्कुल मान रहे हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेज ही इलेक्ट्रिक करंट होती है, अच्छी बात है, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म कैसे दें. तो मैथमेटिकल फॉर्म देने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, वो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है. ठीक है, इट इज ए फ्लो ऑफ चार्जेस. ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में लेंगे तो पर यूनिट टाइम आ जाएगा, और एक स्टैंडर्ड वे में बोलने के लिए हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्जेस को फ्लो करवाएं. ठीक है, एक सेकंड मुझे देख लीजिए वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा. ओके, वीडियो इज गोइंग स्मूथली. ओके ठीक है, कई बार क्या होता है कि स्क्रीन जो है बीच में ऑफ हो जाती है. ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बारे में. ठीक है, तो कैसे बताएं भाई इलेक्ट्रिक करंट को, हमने बता दिया कि फ्लो ऑफ चार्जेज होती है, लेकिन उसकी डेफिनेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट करें मैथमेटिकली वो देखो. क्वांटिटेटिवली मात्रात्मक रूप से हम कैसे बताएं, तो देखिए मैथमेटिकली बोल सकते हैं. ठीक है, या क्वांटिटेटिवली बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट
इलेक्ट्रिक करंट इज is the electric current is the flow of some amount of charge through a क्रॉस सेक्शन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम ठीक है। देखिए और अब ले लेते हैं ठीक है। सपोज डेल्टा क्यू चार्ज ठीक है फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कैपिटल ए बोल देते हैं ठीक है इन टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी ऐसे बोल सकते हैं ठीक है डेल्टा टी देन इलेक्ट्रिक करंट I ठीक है I को कैसे बोल देंगे फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी और वास्तव में ये जो है वो एवरेज करंट को दिखाएगी होता क्या देखो हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन मैथमेटिकली कैसे दिखाई वो देखो मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है किसी भी कंडक्टर का कंडक्टर में फ्लो होंगे चार्जेस कहां फ्लो होंगे कंडक्टर में फ्लो होंगे तो ये कंडक्टर है ठीक है इस प्रकार से ठीक है और ये अपने पास ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ठीक है अब हम क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि चार्जेस फ्लो रहे हैं जी बिल्कुल चार्जेस फ्लो रहे हैं तो मान लेते हैं ये अपने पास है चार्ज ये देखिए अपने पास चार्ज है जी बिल्कुल ये इस प्रकार से चार्ज फ्लो रहे हैं इस प्रकार से और ये चार्जेज क्या कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको पास कर रहे हैं ठीक है इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ सम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है डेल्टा क्यू चार्ज ठीक है लार्ज अमाउंट लिया हमने मान लीजिए 10 कूलम फ्लो हो गया या 4 कूलम 5 कूलम या जितना भी कूलम फ्लो हो गया तो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो गया यहां से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से तो ये कितना चार्ज है ये चार्ज है डेल्टा क्यू मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए ठीक है यहां से चार्ज फ्लो हो रहा है 1 कूलम गया 2 कूलम गया 3 कूलम गया 4 कूलम गया 5 कूलम गया 6 कूलम गया ठीक है और मान लीजिए डेल्टा क्यू कूलम चला गया टोटल डेल्टा क्यू कूलम चार्ज फ्लो हो गया कितने टाइम में डेल्टा टी टाइम में मतलब ऐसा हो गया कि ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है एरिया है ठीक है और हमने स्टॉपवॉच ऑन की जीरो से ठीक है स्टार्ट कर दी तो
तो चार्ज आया 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, हम घड़ी देखते गए, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, ऐसे ऐसे चलता गया। हमने एक रेंडम कोई वैल्यू ले ली डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो गया और हमने घड़ी को बंद किया, हमने देखा इतना टाइम, इतने टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो गया थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट वो क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। देखो यहां पर लिख रखा हमने एरिया शुड बी हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब यहां पर यदि आप 1 सेकंड रख दोगे तो यूनिट वैल्यू हो जाएगी और ये जो चार्ज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, करंट के। तो ये जो टोटल करंट, टोटल चार्ज जो फ्लो हो गया डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, इसके रेशियो को, इसकी रेट को हम बोलते हैं करंट, और वो होगी एवरेज करंट। एवरेज करंट इन सेंस हमने किसी इंस्टेंट पर नहीं लिया, ठीक है, एवरेज मतलब टोटल, टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया, टोटल टाइम कितना, वही तो होता है एवरेज। बिल्कुल जैसे हम मैच देखते हैं, एक मैच में इतने रन बने, एक मैच में ज़्यादा बन गए, एक मैच में कम बन गए, एक मैच में जीरो हो गया, ऐसे तो एवरेज क्या ले लेते हैं, टोटल कितने बने, तो वैसे ही सीन है। तो यहाँ पर एवरेज करंट हो गई, इस प्रकार से हम एवरेज करंट को दिखाएंगे। अब बात आई, मान लीजिए जो ड्यूरेशन है उसको कम कर दें, ठीक है, ड्यूरेशन को क्या कर दें, कम कर दें, तो फिर हम कौन सी करंट को डिफाइन करेंगे वो भी हम देखेंगे। पहले आप इसको नोट करो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी के आगे हम चलते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना डेल्टा टी, इस टाइम ड्यूरेशन को यदि हम कम कर दें, ये जो डेल्टा टी जो टाइम पीरियड चल रहा है टी टू टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है, जीरो से जैसे मान लो 10 सेकंड गया, इस टाइम को और कम करो, ठीक है, किसी इंस्टेंट के ऊपर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मुझे इस इंस्टेंट के ऊपर इस करंट की डेफिनेशन बताओ, तो हम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स है, कंप्लीट मैथमेटिक्स है। एवरेज को जब हम इंस्टेंटेनियस की तरफ लेके जाते हैं तो हम क्या क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन, मतलब लिमिट लगाते हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट करते हैं मैथमेटिक्स में। बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, इफ इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो देन क्या होगा, वी लिमिट द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट, देन आई एवरेज विल बी आई एंड दिस विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू ओवर डी टी, डी क्यू ओवर डी टी। एज वी नो वी कैन क्लियरली सी इन मैथमेटिक्स वेन एवर वी अप्लाई डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो देन दिस दिस एक्सप्रेशन टेक्स द फॉर्म डी क्यू अपॉन डी टी, और ये वो जो करंट है हम इसको लिखते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट एंड दिस इज कॉल्ड एवरेज करंट। वेन एवर वी विल टॉक इन नेक्स्ट मिनट्स नेक्स्ट लेक्चर देन वी विल टॉक ओनली अबाउट द इंस्टेंटेनियस करंट, करंट मीन्स इंस्टेंटेनियस करंट, जब भी करंट की चर्चा होगी मतलब इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहा है। इफ
स्पेशली इट इज नॉट गिवन दैट दिस इज एवरेज करंट। जब भी बात की जाएगी, जब भी स्पेशली बता दिया जाएगा कि हाँ जी ये एवरेज करंट है, तभी हम एवरेज करंट की वैल्यू यूज मिलेंगे, अदरवाइज हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें। आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम बोल सकते हैं इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और ये कहलाती है अपने पास इंस्टेंटेनियस करंट, तो इसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। अब मान लीजिए ये तब है जब टोटल चार्जेस अपने पास फ्लो हो गया, ठीक है, कि एक कूलम आया, दो कूलम आया, तीन कूलम, चार कूलम, पांच कूलम, वेरिएशन आ रहा है टाइम के साथ, ये अपने पास इंस्टेंटेनियस। बट यदि मान लीजिए करंट की जो रेट है फ्लो होने की वो सेम है, कॉन्स्टेंट है, स्टडी है, ठीक है, पाँच सेकेंड में पाँच कूलम गया, अगले पाँच सेकेंड में भी पाँच कूलम गया, अगले पाँच सेकेंड में पाँच कूलम गया, ठीक है, तो कौन स्टडी रेट से यदि करंट फ्लो हो रही है तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इफ करंट इज फ्लोइंग, इफ करंट फ्लो इज स्टडी इन अ स्टडी मैनर, देन डायरेक्टली वी कैन से करंट विल बी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कितना चार्ज फ्लो हो गया, कितना टाइम हो गया, बस खत्म डायरेक्ट, ठीक है। इससे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स से कंप्लीट क्वेश्चन हम कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए आपसे, आपसे पूछ लिया जाए कि करंट बताइए इस टाइम पर, तो आप डी क्यू अपॉन डी टी से निकाल सकते हैं, एवरेज बताइए, आप इंटीग्रेशन लेके बता सकते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए, ठीक है, जैसे वैसे तो हम क्वेश्चन कर लेंगे आगे, बट फिर भी यदि आपको एक एग्जांपल बताएं, जैसे मान लीजिए चार्जेज है, चार्जेज की जो एक्सप्रेशन है, चार्जेज की एक्सप्रेशन इस प्रकार से दे रखी है कि अपने पास 3t स्क्वायर प्लस 2t एंड प्लस 1 दे रखा है अपने पास, और हमें पूछा है देन फाइंड आउट द एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस करंट हो गया I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो कितना हो जाएगा अपने पास 60 प्लस 2। अब इंस्टेंटेनियस करंट किसी पर्टिकुलर टाइम पर बोल दिया जाए कि मुझे इस टाइम, देखिए ये जो करंट है ये करंट चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल करंट जो है चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। पहले t इज इक्वल टू जीरो पर देखो, यदि हम इसका ग्राफ बनाएं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, एम एक्स अपने पास ये है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से करंट ये एक्सप्रेशन होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, यानी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होगी स्लोप इसकी 6 और ये होगा इसका कोफैक्टर, ये अपने पास 2 यहाँ पर, ये जो पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे। देखिए टी इज इक्वल टू जब हम 0 पुट करें, यहाँ पर टी इज इक्वल टू जब 0 पुट करें तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी ये अपने पास हो गया, ठीक है, और इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन हो जाएगी 60 प्लस 2। तो यदि हम बात करें कि करंट की वैल्यू, हम ये होगी इंस्टेंटेनियस करंट, I इज इक्वल टू क्या होगा 60 प्लस 2, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर पूछे तो बता सकते हैं। और आपसे यदि पूछ लिया जाए कि एवरेज करंट कितनी है, तो एवरेज करंट के लिए आपको वैल्यू देगा, मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि हमें बताइए कि आप हमें बताइए कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में कितनी एवरेज करंट फ्लो होगी, कितनी एवरेज करंट होगी, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड की वैल्यू दे दीजिए। तो एवरेज करंट क्या होती है, एवरेज करंट हम बोल रहे हैं कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया, टोटल टाइम कितना लग गया, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया भाई, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हो गया, ये हो क्या रहा है, देखो इसमें हो क्या रहा है, हमें पता है कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज फ्लो होता है, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होता है, चार्ज फ्लो होता जा रहा है, ठीक है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमें t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर एवरेज करंट निकालनी है, मतलब टोटल
चार्ज कितना फुल हो गया टी इक्वल टू 2 सेकेंड तक। तो हम बात करें टी इक्वल टू 0 सेकेंड में कितना चार्ज था, जी बिल्कुल टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर कितना चार्ज था, तो टी इक्वल टू 0 पर हम लिखेंगे तो क्यू और 1 जो था वो 1 कूलम था। फिर टी इक्वल टू 2 सेकेंड की बात करेंगे तो क्यू 2 जो आ गया अपने पास, 2 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 प्लस अपने पास कितना हो जाएगा 4 + 5 हो गया 17 कूलम हो गया, ये टोटल चार्ज हो गया। और टाइम कितना लगा इसमें 2 सेकेंड, टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया, देखो टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर कितना 1 कूलम था, ठीक है, और फिर टी इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो कर गया वो हम इनको सबट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्यू टू माइनस क्यू वन यहाँ से भी आप देख सकते हैं डेल्टा क्यू यानी वेरिएशन है, यानी क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन यानी कितना हो गया 16 कूलम अपॉन 2 सेकेंड यानी ये हो गया 8, ठीक है। करंट की डेफिनेशन बताएंगे, एम्पियर होती है अभी इसी की बात करेंगे और यूनिट बताएंगे अभी इसकी, ठीक है। तो कूलम अपॉन सेकेंड हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये एवरेज करंट हो गई, ये इंस्टेंटेंस करंट हो गई। अब यदि यहाँ पर आप करंट की वैल्यू दे दिया जाए, चार्ज की वैल्यू पूछ लिया जाए, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। सिंपल, जब भी अपने पास चार्ज की वैल्यू पूछे तो आई की एक्सप्रेशन देगा, तो ये कर लेंगे। वो हम बाद में आपको बताएंगे, सेपरेट क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो डिटेल से लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ही अपने पास हो गया। अब आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट है वो क्या होगी, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी, वो हम डिस्कस करते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब भी हम करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, ठीक है। देखिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो देखो, सिंस अपने पास हमें पता है I जो होती है वो होती है चार्ज अपॉन टाइम क्यू अपॉन टी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ I इज इक्वल टू होगी यूनिट ऑफ क्यू, और इसकी क्या होती है कूलम्ब, और टाइम क्या होती है सेकेंड यानी कूलम्ब अपॉन सेकेंड, और इसी को साइंटिस्ट एम्पियर उसके नाम पर हमने इसको बोल दिया दिस इज एम्पियर। तो यूनिट जो होगी एम्पियर यूनिट होगी, और डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि 1 एम्पियर जो होगा, 1 एम्पियर करंट कितनी होगी, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में, तो जो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट जो फ्लो होगी उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इन 1 सेकेंड, देन द फ्लोइंग करंट विल बी 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम लिख भी सकते हैं नीचे, ठीक है। ये अपने पास होगी SI यूनिट, और अपने पास एम्पियर जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। देर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो है SI एम्पियर जो है, एम्पियर इज ए फंडामेंटल यूनिट इन फिजिक्स, इज ए फंडामेंटल यूनिट, इज ए फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है बिल्कुल। अब देखो एक एम्पियर कितनी करंट होती है, एक एम्पियर 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकंड फ्लो हो जाए, ठीक है, 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहां पर जब 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए 1 सेकंड में, तो हम उसको बोल देंगे 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पर अब हम बात करते हैं कि 1 एम्पियर जो होती है वो अपने पास जो घरों में जो करंट आती है वो एम्पियर में, एम्पियर के ऑर्डर में आती है, ठीक है। हमारे जो डोमेस्टिक जो अप्लायंसेज हैं, जो डोमेस्टिक जो उपकरण हैं घरेलू उपकरणों में, जैसे फैन में, अपने पास करंट एम्पियर में आती है,
और छोटी करंट भी होती है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर 10^-3 एम्पियर सफिक्स है, और माइक्रो एम्पियर 10^-6 एम्पियर। तो कुछ डाटा है उसको लिख लेते हैं। हमारे घरों में जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इन आवर डोमेस्टिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक करंट इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस कितनी होगी? एम्पियर में चलती है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है। बाकी आगे हम चर्चा करेंगे डायोड की, ट्रांजिस्टर की, ठीक है, कितनी करंट फ्लो करवाते हैं वो, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। अपने जो बिजली होती है, जो लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है तो उसमें कितनी करंट होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट इन लाइटनिंग। इलेक्ट्रिक करंट इन लाइटनिंग इज ये होती है लाइटनिंग में 10^4 ऑर्डर की, 10^4 एम्पियर की, ठीक है। और अपने पास जो अपने जो ब्रेन सेल्स होते हैं, नर्व्स जो होते हैं अपने, ठीक है, ब्रेन सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जब मैसेज करता है, संदेश भेजता है, कोई भी प्रोसेस हो रही है, जैसे मैं हैंड्स का जेस्टर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये जो हर एक मिली मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में जो एक सूचना चल रही है न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में फायर हो रहे हैं, तो वहां पर भी स्पार्क होती है, करंट फ्लो होती है, और उस करंट की वैल्यू कितनी होती है वो देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इन आवर नर्व्स, इलेक्ट्रिक करंट इन अवर नर्व्स इज इक्वल टू माइक्रो माइक्रो 10^-6 एम्पियर, यानी 1 माइक्रो एम्पियर ऑर्डर चलती है, ठीक है। ये अपने पास कुछ डाटा थे, ये अपने पास हो गया, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यहां तक हमने बताया एम्पियर, ठीक है, ये अपने पास कुछ डाटा। अब हम इलेक्ट्रिक करंट की फर्दर हम बात करें तो हम इसकी बात करेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। उससे पहले हम एक अच्छी बात करने जा रहे हैं, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे अपने पास, ये वाली हेडिंग होगी अपने पास, क्या होगी? कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट वो क्या होते हैं? देखो कन्वेंशनली हम क्या, देखो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज का भी फ्लो हो सकता है, नेगेटिव चार्ज का भी फ्लो हो सकता है। कन्वेंशनली हमने ये माना कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में हम क्या लेंगे अपने पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। बट बाद में अपने पास इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोज हो गई तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट ले लेंगे, ठीक है। तो यही बात है, तो कन्वेंशनली हम ये बोलेंगे, बाई कन्वेंशन लिखेंगे, बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाई कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, फ्लो पॉजिटिव चार्जेस, फ्लो पॉजिटिव चार्जेस, ठीक
ठीक है, ये हो गया। अब इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए लेफ्ट में ट्रेवल कर रहे हैं और इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज राइट में फ्लो कर रहा है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन यदि हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी फ्लो की, उसके अपोजिट हम क्या ले लेंगे, अपने पास इलेक्ट्रिक करंट की ले लेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल देंगे और ये हो जाएगी कन्वेंशनल करंट, ठीक है। एज वी कैन से, एज वी नो, एज वी कैन टेक द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज वी कैन टेक द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज सेम एज द मोशन ऑफ एज द अपोजिट मोशन ऑफ एज द अपोजिट मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हेंस इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। जैसे हम इसको लिखे हैं यहां पर, बताएं आपको, ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो, यदि हम इसको इस प्रकार से डिनोट करें कि मान लीजिए यहां पर कंडक्टर है, एक ये वाले करंट को शो कर देंगे, ठीक है। जैसे अपने पास कि मान लीजिए ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं इस प्रकार से, और ये नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं अपने इस प्रकार से, तो ये वाली जो करंट हो जाएगी उसको बोलेंगे अपने पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी करंट की डायरेक्शन, और यहाँ पर भी क्या होगी, ये होगी करंट की डायरेक्शन। बट ये जो करंट होगी इसको हम बोल देंगे कन्वेंशनल करंट और इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो जाएगी कन्वेंशनल करंट बाई कन्वेंशनल बाई कन्वेंशन कन्वेंशनल करंट और इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक छोटी सी टर्म है थी, उसको हमने एक्सप्लेन किया। अब देखो, मेन टॉपिक अपने पास ये है, क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। हम 12th फिजिक्स में केवल दो ही क्वांटिटीज पढ़ते हैं, टेंसर हमारा मुद्दा नहीं है, हम पढ़ते हैं केवल स्केलर एंड वेक्टर। तो हम टर्म्स हम बात करेंगे स्केलर और वेक्टर में, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हाउ? स्केलर क्वांटिटी। बट सर, अभी अभी तो आप चर्चा कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी होती है, कितना कूलाम चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो गया उसका रेशियो ले लो, आप उसको बोल रहे थे इलेक्ट्रिक करंट होती है, इसका मतलब इसका इसका मैग्नीट्यूड होता है। जी बिल्कुल होता है। अभी अभी आपने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी बात की कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी होती है। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी होती है। तो व्हाई देन, व्हाई डोंट यू से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज एज वी नो दैट वॉट एवर काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
एंड यू आर सेइंग दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट इज ऑल्सो हैव इट ऑल्सो हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन होती है उसको कंप्लीट वे में यदि हम बताएं तो वो क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन भी होता है, वे क्वांटिटी जिनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, बट साथ साथ में वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करें. ठीक है, मतलब उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो वेक्टर लॉज के अकॉर्डिंग हो, लो वेक्टर वेक्टर एडिशन जो ट्राइंगल एडिशन है, ठीक है, पैरेललोग्राम एडिशन है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. बट इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा नहीं होता. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फॉलोज ऑर्डिनरी अलजेब्रा. ठीक है, देखो सिंस इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्टिल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट फॉलोज the ordinary algebra for addition. ठीक है, और सम बोल दो. एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर बोल दो. एक करंट है यहां से इस प्रकार से फ्लो हो रही है 10 एम्पियर की करंट है. एंगल इनके बीच में मान लीजिए अपने पास 90 डिग्री है. ठीक है, या अपने पास यहां पर बोल दीजिए 60 डिग्री एंगल है. तो इस वायर में करंट कितनी करंट जाएगी, तो आप सिंपली ऐड करेंगे क्योंकि चार्ज जो है वो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी रखता है. एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं होता, फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं. तो जितना चार्ज यहाँ से है उतना चार्ज यहाँ से और उतना चार्ज निकल जाएगा. हम पढ़े भी गए किरचॉफ अपने पास जंक्शन लो. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. तो जंक्शन के ऊपर कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला जाएगा. तो यहाँ पर करंट कितनी हो जाएगी, 15 एम्पियर. तो यहाँ पर आपने जो करंट का एडिशन लिया, करंट का जो सम किया, ठीक है, वो जो सम किया आपने डायरेक्ट ऑर्डिनरी अलजेब्रा लगा दी, यानी 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा. बट व्हाई डिडंट यू यूज द वेक्टर अलजेब्रा, व्हाई डिडंट यू यूज द फॉर्मूला दैट वी से आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. आपने ये क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ये यूज तो है वो वेक्टर क्वांटिटीज में होता है और ये स्केलर क्वांटिटी. यही डेफिनेशन, यही जो अपने पास इसकी कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट की, कि क्यों ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये जो एडिशन है, जो सम है इसका, वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करता है, न कि वेक्टर अलजेब्रा को. ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन बताई आपको, बेसिक चर्चा की, यूनिट के बारे में बताया आपको, बताया कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, चार्जेस जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत है. यहाँ पर चार्ज देखो मूव कर रहा है, जबकि प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी जिसपे चार्ज रेस्ट पर था. ठीक है, तो हम आगे फर्दर आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बैटरी के बारे में बताएंगे, ईएमएफ के बारे में बताएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे, टर्मिनल वोल्टेज जो भी है, और फिर ओम्स लॉ आएगा. ठीक है, तो काफ़ी कुछ है बताने को. ठीक है, तो आप क्या, आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर वे में पढ़ना है. ठीक है, हम न्यूमेरिकल्स भी लेके आएंगे उसके बाद में. लेक्चर यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे.
तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।